अच्छा आज हम यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए हैं? हम जब भी कैंपिंग करते हैं, ओवरलैंडिंग करते हैं ना, या मैं मेरी जो वैन लाइफ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ पिछले 1.5 साल से, टॉयलेट की बड़ा इशू होता है। अब जब टॉयलेट का इशू होता है तो उसको सॉल्व कैसे किया जाए? यूजुअली टेंट्स आते हैं, छोटे वाले टेंट्स आते हैं, उसमें आप अपने फ्री हो सकते हैं, रिलीव हो सकते हैं, जो काम करना है वो कर सकते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको स्क्वाट पोजीशन में बैठना पड़ेगा, और अगर स्क्वाट में नहीं बैठना पड़ेगा तो आपको वो पोर्टेबल चेयर काइंड ऑफ अ स्टैंड कैरी करना पड़ेगा। अब उससे ना, जैसे मैं छोटी गाड़ी में हैचबैक में वैन लाइफ करता हूँ, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है एक और एक्स्ट्रा सामान कैरी करना। तो एक सोल्यूशन लेके आया हूँ आप सबके सामने कि अच्छा, वो ना करने से अगर आप स्क्वाट पोजीशन में करेंगे तो आपके घुटने में दर्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम इतने सालों से वेस्टर्न सीट पे सीट को यूज़ करते आए हैं, दूसरी स्क्वाट सीट को नहीं यूज़ करते। वो सोल्यूशन क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको लेना है एक नाइफ, ये यूजुअली हर बंदे के पास होता है जो कैंपिंग करता है, ओवरलैंडिंग करता है। और आपके पास ना ऐसा स्टूल होगा, चाहे आप ऐसे वाला, चाहे आप डीकैथलॉन का ले लो, और चाहे अदरवाइज ऑनलाइन अवेलेबल है। अब इसको हमने क्या करना है, दो दो उंगली छोड़ के, इधर से दो, इधर से दो, इधर से दो, और इधर से दो, दो दो उंगली छोड़ के हमें बीच में से काटना है। अब इससे दो पर्पस सॉल्व होंगे। पहला पर्पस, ये जगह बहुत कम लेता है स्टोर करने के लिए, तो गाड़ी में अदरवाइज भी ये स्टूल की तरह भी यूज़ होगा जब इसको तोड़ काट लेंगे हम, और ये हमारी टॉयलेट की तरह यूज़ भी होगा। तो आपका चेयर का काम भी ये कर देगा और टॉयलेट का काम भी कर देगा। करके दिखाते हैं जी आपको। अब अरे यार, ये भी बड़ा तंग करती है, इसको भी हटा ही देते हैं। ये सब डस्टबिन में जाएगा वैसे। अब हमारे पास ये स्टूल रेडी हो गया, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करना है, ये ना डिस्पोजेबल बैग्स आते हैं, और इनका बेस्ट पार्ट है कि ये बायोडिग्रेडेबल है, ये आसानी से मिट्टी बन जाते हैं। तो इसमें से ये यूजुअली हर कोई कैरी करता है जो भी आउटडोर जाता है। तो एक यहाँ पे आप इसको क्लिप ऑन कर सकते हो, मैं क्लिप्स लाया नहीं, और यू कैन कंफर्टेबली सिट ऑन दिस एंड रिलीव योरसेल्फ। ये बहुत देसी और बहुत कारगर जुगाड़ है। मैं पूरा कंफर्टेबली बैठा हूँ और अपना काम आसानी से कर सकता हूँ, बिना पंजाबी में बोलते लिबड़े और बिना गंदे हुए। और उसके बाद जब आपने अपना रामझाम कर लिया, आप आसानी से उठेंगे। अभी क्लिप्स नहीं लगे हुए, जब क्लिप्स लगे होंगे तो आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने आसानी से उठना है। अपने मामले पे गांठ लगानी है, खड्डा खोदना है, खड्डे में डालना है, और ऊपर से मिट्टी, और दैट सेट। दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास वो कैनोपी वाला टेंट है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो अदरवाइज़ आप जहाँ पे भी रिलीव होते हैं आपको स्क्वाट पोजीशन में नहीं बैठना पड़ेगा, आपके घुटने बच जाएंगे, क्योंकि आप ड्राइव भी करते हैं ओवरलैंडिंग में। अगर आपके पास ऑटो गाड़ी नहीं है तो क्लच से जाम वाम मिलता है, बहुत दर्द होती है। तो जस्ट टू अवॉइड दैट, यूज़ दिस। मेरी तो पोर्टेबल टॉयलेट बन गई है, अब आप जल्दी से जल्दी बना लो। दिस इज़
दिस कॉस्ट 499, 499 रुपए की ये सिंगल कुर्सी मिलती है डिकैथलॉन पे। मुझे टेबल के साथ मिली थी, मैंने बड़ा टेबल लिया था, उसके साथ चार फ्री मिली थी, तो उनमें से ये एक है, एक पे मैं बैठा हूँ, एक पे सोम बैठा है। अच्छा यहाँ ना बच्चे आ गए हैं इसलिए मुझे वॉल्टी को बांधना पड़ रहा है। वॉल्टी कम है, चलो ऊपर ऊपर आओ, लो चलो, नो नो चलो ऊपर 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 ऊपर, गुड बॉय गुड बॉय, बैठो पीछे बैठो पीछे बैठो। लो जी आज मैं अपने बहुत खास दोस्त के साथ यहाँ आया हूँ। दो दोस्त हैं मेरे बड़े खास, एक तो वॉल्टी आप सब जानते हैं, और दूसरा दोस्त है वो मेरा एनसीसी का चड्डी बड्डी। ये वो आदमी है जो एक्चुअली अगर आप सबने शोला और शबनम देखी है ना, वही सोच के मैंने एनसीसी ली थी, जो कि सही चीज़ नहीं है मेरी वजह से। मेरे ख्याल से कोई और जो डिजर्विंग था कैंडिडेट नहीं आ पाया, लेकिन तब समझ इतनी थी। लेकिन एनसीसी में फुल शोला और शबनम ही किया है, और जो मेरे साथ कल्प्रिट था वो एक मेरा दोस्त अंबांशु था, और एक ये आदमी था जिससे मैं अभी आपको मिलवाने वाला हूँ। अब ये क्या करता है, मतलब 35-35, 36-36 साल के हो गए, सब अपनी अपनी जगह सेट है। अब ये आदमी क्या करता है, ये ना बहुत कुछ करता है। अब ये बहुत कुछ कैसे करता है, इसका अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। क्रिएटिव साइड में अगर मैं देखूँ, मतलब हम 12-15 साल के बाद मिले दोबारा से, क्रिएटिव साइड में अगर मैं देखूँ तो ये रैप करता है, ये रैप लिखता भी है और उसको गाता भी है। खाली बैठे याद आए कॉलेज के वो पल, जहाँ यार थे बतेरे मचाते हलचल, दिन दिन वो हसीन थे रूल्स थे हजार, पर तोड़े वही रूल्स जो करते अत्याचार, यार यारों के यार थे पूरी तौर थे मिसाल थे, जहाँ घुस जाते वाले आते बचालते, सिक्का था जमाया था नाम जो कमाना था, जिंदगी में कुछ हमें करके दिखाना था, कि हमने लाइफ ना गवाई, पढ़ाई का पता नहीं पर इज्जत ही कमाई, मकसद बस एक था डिग्री का लगा शौक था, बाप मेरा फौजी था और डीएम का भी खौफ था, वक्त के बड़े पक्के अनुशासन में रहते, उठाए जो नजर उसे भी अपना कहते, अपना बैच ही अलग था, हीरो की ऐसी खान था, हर बंदा मेरे कॉलेज जीएमएन की एक शान था। तो ये एक रैप था जो उन्हें पूरा भी नहीं किया, बट मैं इतने में ही हमेशा इस रैप को एंजॉय करता हूँ। दिस इज डेडिकेटेड टू ऑल जीएमएन गाइस, अंबाला कैंट वाले सारे दोस्तों के लिए। अभी अगर वॉल्टी को खोल दिया ना एक बारी तो हो चुका है, दोबारा ये यही करेगा, सीधा आ जाएगा तालाब में। अभी तो मैंने बुला लिया था इसीलिए इसको बांध रखा है, और बांधा है तो इसलिए इसको हवा भी लग रही है, थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर डाउन होगा, नहीं तो भाग भाग के एक तो डिहाइड्रेट हो जाएगा, और उसके बाद बॉडी टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा फिर बार बार पॉटी के लिए बैठेगा, इसको ऐसे फील होगा कि पॉटी आ रही है, तो हीट स्ट्रोक ना हो जाए। हीट स्ट्रोक तो खैर क्या होगा, शाम के 5:30 बजे, बट स्टिल क्योंकि इसको आदत नहीं है इस तरह की गर्मी की, गाड़ी में ही रहते हैं हम, एसी वेसी ऑन करके बैठते हैं। तो अभी मैं प्लान कर रहा हूँ, एक बड़ा सरप्राइज़ है सबके लिए, लंबा ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, और वहाँ जाऊँगा जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं, वॉल्टी के साथ ही, थोड़ा सा और ठंडा हो जाए, सो दैट इस तरह का अगर बाहर भी बैठ रहे हैं, टाप के नीचे भी बैठ रहे हैं, कुर्सी लगा के भी बैठ रहे हैं, तो ज़्यादा गर्मी ना लगे। मुझे तो खैर जो लगती है इसको ना लगे, ये प्रायोरिटी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हीरो तो अपना यही है ना, वॉल्टी एंड मी का, मी तो बाद में आता है, वॉल्टी पहले आता है।